लक्ष्मी टॉकीज से एमएसटी आर्ट्स फैकल्टी आर्ट गैलरी के बगल से होती हुई जाती हुई बाल भवन की तरफ, और अब ये रोड देखिए, पहले केवल एक साइड, दो साइड में एक साइड जो थी उतनी बराबर थी टोटल रोड, अब ये चौड़ी होती हुई ये आर्ट गैलरी। अब यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं रह गया। आज 20 अक्टूबर 2023 यहाँ से देखिए चौड़ीकरण थोड़ा कम हुआ है। SBI का गेट भी यहीं से अंदर जाने को, देखिए ये हिस्सा बच गया, अदरवाइज एक बार समाप्त होने की जद में आ गया था ये कटरा की तरफ, टनलगंज चौराहे की तरफ जाता रास्ता। ये लाल पद्मधर शहीद स्मारक, ये छात्र प्रसंग भवन जो भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान और उसके बाद भी अपनी एक अहम भूमिका निभाता रहा है, लेकिन अब जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई तब से रोल्स कुछ कम होते हुए, देखिए हॉलैंड हॉल के पास से गुजरता हुआ मैं इस समय बाबा की हाथों की कृपा और महाकाल की प्रेरणा के बदौलत आज झांसी में सुबह दैनिक हवन करने के बाद ये हॉलैंड हॉल का मेन गेट, विलियम हॉलैंड हॉल छात्रावास 11079 LTT गोरखपुर सुपरफास्ट को पकड़ के लखनऊ आने का प्रोग्राम था, लेकिन बाद में अचानक बदला, कानपुर स्टेशन पर उतर के, क्योंकि कानपुर से प्रयागराज के लिए बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसलिए वहाँ उतर के 2 बजे नॉर्थ ईस्ट 12506 जो कि थोड़ा लेट थी, 1:55 पे आई कानपुर स्टेशन पे। वहाँ से पकड़ के मैं करीब 5:30 बजे करीब प्रयागराज में उतरा, और उसके बाद सिविल लाइन जहाँ की आज षष्ठी के दौरान शारदीय नवरात्र में आज षष्ठी तिथि और माँ कात्यायनी के दर्शन। अब विचार में यह आया कि कम से कम दुर्गा पूजा, क्योंकि आजकल का फैशन बन गया है हर बड़े शहरों में, चौराहों जगह जगह दुर्गा जी की मूर्ति ग्राण प्रतिष्ठा होती है, और इसके बाद पूजा अर्चना नवमी तक, दसवीं को विसर्जन। इसी तरह एक मुख्य पूजा पंडाल भारद्वाज आश्रम के बाहर वाले पार्क में, इसी तरह जाते हुए हॉलैंड हॉल के किनारे कमलगंज कोतवाली के पास से जाते हुए रास्ते से ये कुएं वाले कमलगंज चौराहे की तरफ जाता हुआ रास्ता, कटरा का रामदल इसी मुख्य सड़क से होता हुआ जाता था, लेकिन अब आजकल उसके बगल वाली जो रोड है कोतवाली के पास से जाता है, क्योंकि रोड बहुत कम चौड़ी है, लेकिन सजावट परंपरागत तरीके से होती हुई। भरद्वाज आश्रम को जाता हुआ रास्ता, रूट अलग हो जाने से जो इस रोड के दुकानदार हैं उनकी खुशामत आ जाती थी वो नहीं आ रही आजकल।
नाम से वो अपनी दुकान रात भर खोल पाते हैं और अपना बिजनेस कर पाते हैं, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती थी उनके लिए। सारी भीड़ उनकी दुकान के सामने, दुकानदारी नहीं के बराबर, कुछ पूजा सामग्री से संबंधित दुकान है। ये दुर्गा पूजा पार्क जहाँ पे दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुई, और ये रास्ता काली जी के मंदिर के बगल से, काली जी के मंदिर में इसमें आरती होती हुई, और ये मूर्तियाँ जय माँ काली, बहुत बड़ा दिन माना जा सकता है आरती।